मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ लड़, और यदि मेरा कुछ होता है तो उसका पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जिम्मेदार होगा यदि मैं मरता हूँ। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर के मुद्दे पर हरपाल दादरवाल 8 दिनों तक आमर अनशन पर बैठे रहे। राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा यह तो समझ में आता है, मगर पहले 16 सीसी का नोटिस थमाया, फिर कार्य मुक्त कर जयपुर से बीकानेर अटैच कर दिया। गांधीवादी तरीके से कोई अपनी बात रखना चाहे तो सरकार इस तरह से सजा देती है जो खुद को गांधीवादी कहती है। उनका कहना यही था कि जब शिक्षा मंत्री के इलाके में ट्रांसफर हो सकता है वरिष्ठ अध्यापकों का, तो बाकी राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है, कम से कम उनकी बात सुननी चाहिए थी। दूसरा मामला है, पिछले कई दिनों से महिलाएं, पुरुष, छात्र छात्राएं जो बेरोजगार हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं। लगातार उनसे मांग की जा रही है कि सरकार उनसे बातचीत करे, मगर सरकार का नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। दिन में तेज गर्मी है, रात को ठंड है, छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में, उसके बावजूद यह लोग बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से धमकी तो मिल रही है मगर बातचीत करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है कि जो मापदंड कांग्रेस के नेता दिल्ली में बीजेपी के लिए रख रहे हैं, क्या वह राजस्थान में कांग्रेस के लिए नहीं होना चाहिए? अब कहा जा रहा है कि कृषि बिल पर आंदोलन करने वाले किसानों से बीजेपी सरकार क्यों नहीं बातचीत करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बातचीत करते हैं, तो सवाल उठता है कि यहाँ पर जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनसे सरकार बातचीत क्यों नहीं करती है, इन लोगों को कांग्रेस के नेता कोई पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सत्ता का संस्कार एक जैसा होता है, अगर दिल्ली में किसी पत्रकार पर मुकदमा हो तो वो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, मगर राजस्थान में मुकदमा हो तो आंदोलनजीवी चुप रहते हैं। आंदोलनजीवी इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अच्छी लगी, क्योंकि भेदभाव बरता जाता है पार्टियों और नेताओं के आधार पर आंदोलन करने में। राजस्थान में आंदोलनजीवी के अलावा बहुत सारे रिटायरमेंट जीवी भी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिटायरमेंट के बाद विश्वविद्यालयों में, आयोगों में फिट किए हुए हैं। वो कांग्रेसी नहीं है, कभी कोई स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के करीबी रहा है तो कोई वसुंधरा राजे के करीबी रहा है, मगर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अच्छे रिश्ते रखे हुए थे, लिहाजा उन्हें इनाम मिला है। अब कांग्रेसी करें क्या? कांग्रेसी कसमसा कर चुप रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद अभी खाली हुए हैं, उन्हें लगता है कि भागते भूत को लंगोटी भी मिल जाए, इसलिए खामोश हैं। मगर वो लोग लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, ट्वीट क्या कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, सचिन पायलट के खिलाफ। पहले लिखते थे कि भीड़ नहीं आ रही, अब कह रहे हैं कि इतनी भीड़ आ रही है कि कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, अलग से आंदोलन करने की क्या जरूरत है, कोई जमीन तलाशी जा रही है क्या, मानेसर 2 करने की तैयारी है। तो इस तरह से यह लोग कांग्रेस के नेताओं पर भी हमला करने लगे हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में सचिन पायलट कृषि बिल के मुद्दे को लेकर लोगों में निकले हैं और भारी भीड़ आ रही है, उसे भी यह लोग गलत नजरिए से देख रहे हैं, गलत चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेसी नहीं है, ये रिटायरमेंट जीवी हैं। उधर बीजेपी के तरफ से अच्छी खबर आई है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने गुट के विधायक के जरिए यह पत्र जारी करवाया है कि उनका कोई गुट नहीं है, पार्टी उनके लिए परिवार के समान है और पार्टी के सभी नेता उनके लिए बराबर हैं। अब 23 फरवरी को कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, माना जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक से पहले वसुंधरा राजे ने अपने विरोधियों को सफेद झंडा दिखाया है, और इसके बाद अगर उस बैठक में कोई समझौता हो जाता है तो ठीक है, वरना तैयारी तो जारी है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।